कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हॉलीवुड में हैमलेट को लेकर बहुत सारी मूवी बनी हुई है, और 2014 में बॉलीवुड में बनी हुई है हैमलेट की। मूवी का नाम क्या है? हैदर। आप देखिएगा हैदर मूवी बिल्कुल उसी तरह बनी हुई है, बट थोड़ा चेंजिंग इसलिए है क्योंकि हैदर कॉम्बिनेशन है, एक तरफ हैमलेट का एक तरफ कर्फ्यू नाइट्स का, इसलिए मिक्सचर है। कर्फ्यू नाइट्स में कश्मीर की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, और जो हैदर में जो और पार्ट है वो हैमलेट से काफ़ी हद तक स्टोरी का जुड़ता है। तो दोस्तों मैं हैदर के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं स्टोरी आपको मैं नरेट करूँगा बताऊँगा उसमें मैं कहीं ना कहीं उन करेक्टर्स को भी लूँगा, कुछ मैंने ऐड करें। तो दोस्तों मैं पहले आपको करेक्टर से मिलवा देता हूँ। जो हैमलेट हैं वो हमारे शाहिद कपूर हैं, क्लोडियस जो उनके चाचा हैं वो के मैनन है, गर्ट्रूड जो उनकी मम्मी है वो तब्बू है, उनकी लवर है जो ओफिलिया वो श्रद्धा कपूर है, ओफिलिया के पापा पोलोनियस वो हमने शक्ति कपूर बना रखे हैं, रियल में उनके पापा बना दिए, और हमने ओफिलिया का भाई लैरिटिस बना रखा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, और हमने हैमलेट का दोस्त होरेशो बना रखा है इरफान खान को। तो ये करेक्टर्स हमारे काम आएंगे स्टोरी बताने में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये स्टोरी दोस्तों डेनमार्क के राजा का उनका भाई क्लोडियस षड्यंत्र से कॉन्स्पिरेसी करके मर्डर कर देता है और अपनी भाभी मतलब राजा की बीबी से शादी कर लेता है। राजा का बेटा जो कि जो मेन हीरो है हैमलेट वो इंग्लैंड में पढ़ रहा होता है, इंग्लैंड से वापस आता है, ठीक है, अपने फादर का देहांत का सुन के डेथ का सुन के दुखी होता है, ठीक है, अपने दोस्त से बातें करता है। दोस्त कौन है? होरेशो। और वो अभी हैमलेट इन दोनों डिस्कस ही कर रहे होते हैं, फादर चले गए, ये हुआ वो हुआ, कि उनको कोई बताता है कि एक भूत घूमता आजकल महल के चारों तरफ, और वो ये दावा करता है कि वो हैमलेट का पापा है, मतलब वो किंग है, ठीक है। तो वो कहता अच्छा किंग है कोई बात नहीं, चलो पता करेंगे। इस बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्लोडियस है उसका चाचा, वो हो सकता है कि पर्सन खराब हो लेकिन वो राजा बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त डेनमार्क पे जो नॉर्वे है वो बहुत हमला करता है, उसका कब्जा करना चाहता है। तो जो हैमलेट के फादर हैं किंग ने, उन्होंने भी कब्जा नहीं करने दिया और क्लोडियस भी उनको कब्जा करने नहीं देता। ये चीज़ आगे आएगी, मैं बताऊँगा आपको, बस जुड़े रहिएगा। तो एक दिन हैमलेट और होरेशो, क्योंकि होरेशो भूतों पर भरोसा नहीं करता, वो कहता मैं भूतों को नहीं मानता लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। तो हैमलेट और होरेशो जाते हैं, तो वो भूत को देखते हैं, कहते हैं भूत तो मेरे फादर जैसे लगता है, तो कहते हैं चलो डिस्कस करते हैं, उससे बात करते हैं, है ना। तो वो देखते हैं वो भूत तो उनके फादर की तरह लगता है, तो होरेशो बोलता है कि चलो बात करते हैं। तो वो जाते हैं उससे बात करते हैं, तो जो भूत है वो उनको बताता है कि बेटा मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम्हारे चाचा ने मुझे धोखे से मार दिया है, और तुम्हारी मम्मी को भी कहीं ना कहीं पता था, और देखो ये हो गया है, और तुम मेरी मौत का बदला जरूर लेना, उसको छोड़ना नहीं क्लोडियस को, अपने चाचा को। तो हैमलेट अभी सोचता है कि कहीं भूत सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो वो एक ऐसा प्ले ऑर्गेनाइज करता है, प्ले को परफॉर्म करता है, प्ले को। उसका ये मानना होता है कि अगर ये सच होगा तो कहीं ना कहीं मेरा चाचा क्लोडियस और मेरी मम्मी गर्ट्रूड को कहीं ना कहीं इसे देख के शर्म आएगी और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। और दोस्तों होता भी ऐसा है, पूरा प्ले क्लोडियस नहीं देखता उसका चाचा और वो चला जाता है। तो हैमलेट को यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो भूत है वो सच कह रहा था, इन्होंने ही मेरे फादर को मारा है। वो और कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा सा और पता करने के लिए पागलों का एक्टिंग कर रहा होता है। क्लोडियस को पता चल जाता है कि हैमलेट को पता लग गया है मेरे षड्यंत्र के बारे में, तो वो क्या करता है अपने दरबारी पोलोनियस एक्चुअली कौन है पोलोनियस, इसके अंदर हैमलेट की जो लवर है ओफिलिया मतलब श्रद्धा कपूर उसका फादर है पोलोनियस, दरबारी है, तो वो पोलोनियस को उसके पीछे लगा देता है। कुछ लोगों को और भी लगाता है लेकिन पोलोनियस को भी लगा देता है कि भाई पता करो कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर रहा, देखते रहो इस पर नजर रखते रहो। वो कहता ठीक है साहब। जब हैमलेट की मम्मी को पता चलता है गर्ट्रूड को मेरा बेटा पागलों की तरह घूम रहा है, तो मैं उसको बुलाती है, बोलती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें क्या हो गया है। तो वहाँ पर हैमलेट अपनी मम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा सुनाता है, भला बुरा खूब कहता है और वो सुन रही होती है। इतने में उसको गुस्सा आ जाता है, सोचता नहीं चाचा को मैं अभी मार देता हूँ। तो जब अपने चाचा क्लोडियस के पास जाता तो देखता है क्लोडियस अपना प्रार्थना कर रहा होता है, प्रे कर रहा होता है, लेकिन उसको मारता नहीं है उस वक्त। उसका ये मानना कि अभी वो प्रे कर रहा है, अगर मैं अभी इसको मारूंगा तो इसकी जो आत्मा वो जाएगी स्वर्ग में, और वो नहीं चाहता था कि इसकी आत्मा स्वर्ग में जाए, वो चाहता है ऐसे इंसान को नर्क में ही जाना चाहिए। फिर वो वापस आता है अपनी मम्मी से बात ही कर रहा होता है, तो अचानक उसको कुछ शक होता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। उसको लगता हो ना हो ये क्लोडियस है, चाचा क्लोडियस ही है। वो अपनी तलवार लेता है और उस पर हमला कर देता है, और वो देख के सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके चाचा नहीं होते, वो पोलोनियस होता है, ओफिलिया के पापा, और वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और उसको बड़ा दुख होता है क्योंकि वो जान के तो मारता नहीं। और ये बात जब ओफिलिया को पता चलती है तो उसको सदमा लग जाता है, ये सदमा इतना गहरा होता है कि ओफिलिया की डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। अब ये बात सुन के कि मेरे फादर भी मर गए, मेरी बहन भी मर गई, तो जो लैरिटिस है उसका भाई
जो नवाजुद्दीन है वो बदला लेने के लिए मतलब पागल हो जाता है, कहता है मैं मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं हैमलेट को। तो इस मौके का फायदा उठा के क्या करता है क्लोडियस, उसका चाचा उसको सोचता है हैमलेट को भेज देता अपने दो बंदों के साथ, अपने दो समझ लो कि एक सैनिकों के साथ इंग्लैंड से वापस भेज दो, और एक लेटर साइन कर देता है इंग्लैंड के राजा के नाम के हैमलेट को, मतलब उसको मतलब हैमलेट को फांसी दे देना, ये सही बंदा नहीं है। तो जब शिप जा रहा होता समुंदर में तो हैमलेट क्या करता है उस जो लेटर को बदल देता है, किस में बदल देता है कि जो दोनों पर्सन जा रहे होते हैं, जो दरबारी जा रहे होते हैं इनको फांसी दे दी जाए। अभी सिर्फ जा रहा ही होता है कि उस पर जो समुद्र लुटेरे हमला कर देते हैं और अपने कब्जे में कर लेते हैं, और वो हैमलेट से इंप्रेस हो जाते हैं, हैमलेट मतलब उनको पसंद आ जाता है, तो वो हैमलेट को डेनमार्क वापस छोड़ देते हैं, मतलब कि गया नहीं फिर वापस आ गया। जब क्लोडियस को ये पता चलता है, क्लोडियस मतलब चाचा को, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि फिर वापस आ गया यार, बड़ा खून पी रहा है। तो क्लोडियस एक षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, वो क्या करता है लेरिटस जो उसका भाई होता है ओफीलिया का, वो पर्चे छपवाता कि जो लेरिटस है और हैमलेट है इन दोनों का युद्ध होगा एक पर्टिकुलर डेट पे, सभी को आना है क्योंकि उनका झगड़ा हो रहा होता है। तो लेरिटस तो पागल हो रहा होता है अपने पापा और बहन के बदला लेने के लिए मौत का, तो हैमलेट कहता भाई अब क्या करें, तो कहता चलो देखते हैं। तो पूरा का पूरा प्ले मतलब पूरा का पूरे लोग आ जाते हैं, सब कुछ सज जाता है, भाई युद्ध का दिन आ जाता है। क्लोडियस वहाँ पे एक चालाकी और करता है, जो लेरिटस को वो तलवार देता है, लेरिटस को उस तलवार में जहर भी लगा देता है कि अगर किसी तरह लड़ाई में थोड़ा बहुत जख्म ही लगता है हैमलेट को, तो उस जख्म जरा से जख्म से भी जहर लग जाए और हैमलेट मर जाए। और फिर भी अगर किसी तरीके से हैमलेट बच गया तो एक शरबत जो कि मतलब कि जो विनर पिलाएगा वो उस शरबत में जहर मिला देता है कि मैं हैमलेट को पिलाऊंगा मर जाएगा, मतलब सब तरीके से हैमलेट को मारना ही है। आज लड़ाई होती दोस्तों, हैमलेट पर भी जख्म होते हैं ठीक है, और लेरिटस पर भी होते हैं जख्म, लड़ाई में तो होते ही। उसके बाद लड़ाई करते करते होता है क्या है कि तलवार एक्सचेंज हो जाती है, अब इसकी तलवार उसको, उसकी तलवार इसको, और हैमलेट को तो पता नहीं होता, लेकिन लड़ते लड़ते हैमलेट को आइडिया लग जाता है कुछ तो ऐसे तलवार में कि मुझे जल्दी कुछ प्रॉब्लम हो रही है और इसको भी प्रॉब्लम हो रही है जैसे मैं मार रहा हूँ। तो होता क्या है कि इसी बीच जो क्लोडियस उसकी मतलब कि क्लोडियस की जो सांसें वो तो रुकी हुई हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बच जाए मुझे मार दे, तो देख रहा होता भगवान मरे मरे नहीं तो शरबत पिए और जान छूटे। लेकिन होता क्या है कि इस बीच गर्ट्रूड उसकी मम्मी उस शरबत को पी लेती है, वहीं ख़त्म हो जाती है। और उधर लेरिटस मर जाता है क्योंकि उसको भी जहर लगा हुआ है, क्योंकि तलवार तो अब उसके हाथ में हैमलेट के। अब हैमलेट को जब पता लगता है कि ये भी मर गया, मेरी मम्मी मर गई, तो वो फटाफट मौका देख के क्लोडियस को भी मार देता है, ये दोनों ही मर जाते हैं, कुल मिला के सारे करेक्टर ही मर जाते हैं। अब बचता कौन है, होरेशो उसका दोस्त। इतने में ये सब चल रहा ही होता है कि जो किंग ऑफ नॉर्वे, वो तो हमला मैंने पहले बताया हमला करता ही था, वो फिर हमला करने आ जाता है डेनमार्क पे, पर वो देखता है तो सारे मरे पड़े। तो फिर होरेशो उसकी पूरी कहानी बताता है। तो जो डेनमार्क का जो राजा है 14 ब्रास, वो कहता है याद रखना दोस्तों 14 ब्रास, वो कहता है अच्छा यार ये तो मतलब गलत हो गया। तो लेकिन उसको ना हैमलेट पे प्यार आता है और उसमें उसकी बहादुरी पे उसको फक्र होता है, तो वो हैमलेट को जब दफनाता है तो एक शहीद की तरह दफनाता है, वीर की तरह दफनाता है। तो दोस्तों यही हैमलेट की ट्रेजिक स्टोरी, जिसके अंदर हैमलेट को दुखी मिला है ना, लवर भी खत्म हो गई, मम्मी भी खत्म हो गई, पापा भी खत्म हो गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ट्रेजिक स्टोरी है। तो दोस्तों इसके कुछ कैरेक्टर्स आप याद रखना, मैंने हैमलेट है, क्लोडियस है, गर्ट्रूड है, ओफीलिया है, पोलोनियस है, होरेशो है, लेरिटस है, आपका 14 ब्रास है। तो ये आपको कैरेक्टर्स आपको बहुत मदद करेंगे। और ये जो हैमलेट है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हम जैसे कुछ लोग जो इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं होते, जो शेक्सपियर को शेक्सपियर बोल देते हैं, SH की जगह S बोल देते हैं, तो गलत है। तो मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर शादी होता है ना दोस्तों, शादी है ना, तो विलियम शेक्सपियर ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगता है बोलते हैं विलियम शेक्सपियर, हम बोलते हैं विलियम शेक्सपियर, तो सेक्स वर्ड सही नहीं है, शेक्सपियर। तो दोस्तों आई होप मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर कोई भी गलती हो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं माफी चाहूंगा। फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अच्छे लगे तो लाइक कर दें, और प्लीज़ शेयर करें आपके दोस्तों तक। और कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड आएगी तो मैं आपको जरूर और जरूर अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी अगर इसमें कुछ भी चीज़ होगी ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान।